हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मीठा कद्दू। मीठा कद्दू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम कद्दू लिया है, छील कर धोकर टुकड़ों में काट लिया है। छोंकने के लिए आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच मेथी। यहाँ पर मैंने एक छोटा चम्मच सरसों का तेल गर्म कर लिया है। इसमें जीरा, मेथी, सौंफ डालेंगे और इन्हें हम भून लेंगे। इसमें हम 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च और एक चुटकी हींग, और साथ में हम कद्दू भी डाल देंगे। एक चम्मच से थोड़ा ज्यादा हम नमक डालेंगे और सभी मसालों को और नमक को हम कद्दू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कद्दू में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और मीडियम आंच पर 4-5 सीटी लगवा लेंगे। कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। कद्दू को हम चमचे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम चीनी डालेंगे। गैस फुल कर देंगे और कद्दू का पानी सुखा लेंगे। कद्दू को हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि हमारा कद्दू अच्छे से पिस जाए। जब हमारे कद्दू का पानी इस तरह से सूख जाए तो इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। इन्हें भी हम कद्दू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कि हमारे कद्दू की सब्जी तैयार है।